हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे आलू छोले की बहुत ही मजेदार और चटपटी सब्जी। तो इसके लिए हमने ये लगभग 500 ग्राम आलू ले लिए हैं। इनको हमने ऊपर से छील का उतार लिया है और कट कर लिया है और धोकर बिल्कुल साफ कर लिया है। ये लगभग 200 ग्राम छोले जिनको हमने उबाल लिया है, वैसे ये आधे उबले हैं, आधे हम सब्जी बनाएंगे तब हमारे रेडी हो जाएंगे। एक बड़े साइज का प्याज जिसको हमने कट कर लिया है। ये तीन हरी मिर्ची जिसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। ये एक बड़े साइज का टमाटर जिसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। ये लगभग 5-7 लहसुन की कलियां जिनको हमने बारीक पीसेस में काट लिया है। एक चम्मच सरसों का ऑयल ले लिया, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसके ऊपर हमने कुकर रख दिया है। हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ही झटपट सब्जी बनेगी। तो इसके लिए हमारा कुकर भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। जीरे को ब्राउन होने देते हैं। जीरा पक चुका है, ब्राउन हो चुका है अच्छे से, ये देखिए। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को भी ब्राउन होने देंगे थोड़ा हल्का। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। हरी मिर्ची से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे जिसके हमें छोटे छोटे बारीक पीसेस किए थे, वो डाल देंगे और इनको भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, हल्का ब्राउन होने देते हैं इनको भी। अब हम इसके अंदर छोले डालेंगे, सभी छोले डाल देंगे। ये हमने सभी छोले डाल दिए हैं और इनको मिक्स कर देते हैं। छोले मिक्स होने के बाद में हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू को भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आलू और छोले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ऑयल के अंदर। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। ये हमने नमक डाल दिया और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर बाकी के मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर धनिया पाउडर और इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर और इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी के अंदर। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इन सभी मसालों को और सब्जी को। अब लास्ट में हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, लगभग 300 ग्राम पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमारे जो छोले और आलू है वो अच्छे से उबले हुए नहीं हैं, तो इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पानी नहीं डालोगे तो ये चिपक भी सकते हैं, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए पानी डाल दिया है और अब हम कुकर के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको लगभग मीडियम फ्लेम पर सीटी लगवा देंगे। लगभग 3 सीटी लगवानी है, फिर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। तो 3 सीटी के बाद में हमने कुकर गैस बंद कर दिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बिल्कुल घुल गई है सब्जी अच्छे से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा मैगी मसाला डाल देते हैं जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। मैगी मसाला डाल देंगे, अच्छी खुशबू आएगी इससे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो चलिए अब हम इस अलग बर्तन में निकाल कर सर्व करते हैं।
तो ये हमारी आलू छोले की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। आप देख सकते हो बहुत अच्छी सब्जी बनी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।